ये जो 100 days है ये रिफ्लेक्ट करेगा पार्टी का, पार्टी की आइडियोलॉजी, जो पार्टी स्टैंड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क को तरक्की और अवामी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए अपना एजेंडा पेश कर दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल को 100 रोज में खत्म करने का चैलेंज कर दिया। नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह लोगों को घर फराहम करेगी, 100 दिन का एजेंडा। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताए गए कराची में 11 और लाहौर में बताए गए 10 नकाती एजेंडे पर कैसे अमल होगा, 100 दिन का एजेंडा। नंबर 3, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह ज़राअत के मसाइल हल करेगी, 100 दिन का एजेंडा। नंबर 4, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ औरतों के हकूक कैसे दिलवाएगी, 100 दिन का एजेंडा। नंबर 5, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौसमी तब्दीली पर कैसे काबू पाएगी, 100 दिन का एजेंडा। नंबर 6, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की माशियत को किस तरह बेहतर करेगी, 100 दिन का एजेंडा। नंबर 7, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निचली सतह पर लोगों को किस तरह बाइख्तियार करेगी, 100 दिन का एजेंडा। नंबर 8, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को कारोबार के लिए मौजू बनाएगी, 100 दिन का एजेंडा। अब देखना ये है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक्तदार में आने के बाद पाकिस्तान के दरपेश मसाइल को अपने 100 नकाती एजेंडे के तहत खत्म कर पाती है, या फिर ये महज इलेक्शन जीतने के लिए बस दावे हैं।